डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के साथ हम पढ़ते हैं SIADH, जिसकी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, SIADH। तो SIDH की फुल फॉर्म होती है सो मच ADH, सच इवेंट्स ADH। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, पहली बात ADH की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ADH की डेफिशिएंसी से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, 3P याद रखो उसके लिए, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है, और एक और पी कौन सा होता है, एक पी होता है पॉलीफेगिया। तो बात करें पॉलीयूरिया की, पॉलीयूरिया क्यों होता है, देखो ADH की कमी हो गई, हम बात करते हैं ADH करता क्या है। ADH क्या करता है, एंटी डायूरेटिक होता है, एंटी डायूरेटिक होता है मतलब यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। लेकिन जब ADH की कमी हो गई, देखो सीधी सी बात है, ADH का काम होता है एंटी डायूरेटिक, तो ADH नहीं है तो डायूरेसिस होगा, डायूरेसिस को क्या कहते हैं, पोलीयूरिया कहते हैं। तो देखो ADH होता है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, BP बढ़ाना, क्योंकि ये वेसल्स को प्रेस करता है। ADH जो होता है वो बाइंड करता है वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स है किसमें, DCT के अंदर। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि ADH जो होता है वो एक्वापोरिन जो होता है, देखो ये ADH है, ये ADH, जब ADH रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि VR2 है रिसेप्टर का नाम, तो क्या होता है, ये जो एक्वापोरिन्स होती है वो मेम्ब्रेन पे जाके एम्बेड हो जाती है DCT की, और ये जो वाटर होता है वो किसके अंदर रहता है, ब्लड के अंदर रहता है। तो ये एंटी डायूरेटिक हुआ, लेकिन जब ये सब नहीं है तो ये जो वाटर है वो यहाँ अंदर आ नहीं पाता, तो उससे क्या होता है, पोलीयूरिया होता है। इससे क्या होता है, जो वाटर होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, जिसके कारण ऑस्मोलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और यही केस को ट्रिगर करता है, पॉलीडिप्सिया को वो करता है ट्रिगर। आगे हम बात करें तो डायबिटीज इंसिपिडस के दो कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि ADH की कमी हो जिसे कहते हैं हम सेंट्रल, हो सकता है ADH तो इनफ मात्रा में हो लेकिन जो किडनी होती है वो ADH को लेके रिस्पॉन्ड ही ना कर रही हो, तो उसको कहते हैं हम नेफ्रोजेनिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अगर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई चोट लग जाए। इसके अलावा जो अल्कोहल होती है वो क्या करती है, वैसोप्रेसिन के सीक्रेशन को डिक्रीज कर देती है, तो अल्कोहल भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है किसके लिए, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस के लिए। आगे हम बात करते हैं नेफ्रोजेनिक की, तो इसके अंदर क्या होता है, हो सकता है कोई हेरिडिटरी जेनेटिक डिफेक्ट रहा हो जिससे वैसोप्रेसिन रिसेप्टर जो है वो काम ना कर रहे हो। एक इम्पोर्टेंट कोज होता है इसके अंदर लिथियम, ये याद रखना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये जो एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती है एक्वापोरिन 2, उसका प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता है। लिथियम के अलावा जो हाइपोकैलेमिया होती है उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिल सकती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हाइपर कैल्शियमिया के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ADH एंटागोनिस्ट, मतलब जो ADH को एंटागोनिज्म कर रहा है उसका नाम क्या है, डिमिक्लोसाइक्लिन, ये क्या होता है, ADH एंटागोनिस्ट होता है। तो ये सब के सब क्या है, ये कोज कराते हैं। बात करें सिम्टम की, तो पोलीयूरिया होगा, पोलीयूरिया होता है ये डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर, कितना होता है, मोर देन 3 लीटर ऑफ डायल्यूट यूरिन पर डे, तो उसे कहेंगे पोलीयूरिया। पोलीयूरिया होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो पोलीडिप्सिया होगा।
ब्लड ऑस्मोलिटी जो है वो क्या है, बढ़ जाएगी, कितनी होती है, मोर देन 290 मिली ऑस्मोल पर केजी, मोर देन 290, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जा सॉरी कितनी होती है, लेस देन 1006 हो जाती है। अब बात करें हम एडीएच लेवल की, तो सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक, नेफ्रोजेनिक में तो एडीएच लेवल सेम होते हैं, मतलब ठीक होते हैं, लेकिन रिसेप्टर काम नहीं करता है, जबकि जो सेंट्रल होती है उसके अंदर क्या है, एडीएच की डेफिशिएंसी जाती है। बात करते हैं वाटर डिप्रवेशन टेस्ट की, तो इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया और डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, जो यूरिन ऑस्मोलिटी है वो क्या होती है, 300 से कम रहती है, और साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में 300 से बढ़ जाती है, यूरिन ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। एक होता है डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन होता क्या है, एडीएच एनालॉग है। अगर हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं और यूरिन ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, यूरिन ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है, मतलब एडीएच देखो वर्क कर रहा है, एडीएच क्या है, वर्क कर रहा है, तो ये सेंट्रल कॉज हो जाएगा, और अगर स्लाइटली बढ़ती है तो वो नेफ्रोजेनिक कॉज के अंदर आ जाएगा। यूरिन ऑस्मोलिटी की बात करेंगे हम, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं जानता हूँ। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या है इसका, सेंट्रल में डेस्मोप्रेसिन दे देंगे क्योंकि ये एनालॉग होता है, प्रॉपर हाइड्रेशन करेंगे क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। नेफ्रोजेनिक की बात करें तो उसके लिए ये मेडिकेशंस हैं, एंडोमेथासिन देते हैं, डायबिटिक देते हैं, थायराइड डायुरेटिक और अमेलोराइड भी दे सकते हैं। इसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ मेडिकेशन दैट हार्म द किडनीज लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड। अब हम बात करते हैं SIADH की, इसकी फुल फॉर्म होती है सच इमेंस एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ADH हार्मोन होता है, बहुत ही ज़्यादा ADH है, तो क्या होगा, यूरिन कैसा होगा, यूरिया कैसा होगा, एंटी डायूरेटिक कंसनट्रेटेड होना चाहिए। देखो ADHD के कॉजेज़ की बात कर ले तो सबसे पहले एक पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, जो कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से एसोसिएटेड होता है, जो कि एक्टोपिक ADHD सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा पल्मोनरी डिजीजेज लाइक निमोनिया, COPD, इनमें भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेडिकेशंस भी होती है जो SIADH कॉज कर सकती है, जैसे कि ABCD निमोनिक है, एनल्जेसिया, इंडोमिथासिन हो गया, बारबिट्यूरेट्स हो गया, साइक्लोफोस्फामाइड इम्पोर्टेंट है याद रखना, और डायूरेटिक जैसे कि थायराइड हो गया। अब देखो SIADH के अंदर क्या है, ADH बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा किडनी के अंदर। देखो तुम तो याद रखो SIADH जो होता है ना, ये कॉज कराता है हमारा डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन तो कराएगा कराएगा क्योंकि ADH का काम ही होता है। इसको एल्डोस्टेरोन से कन्फ्यूज़ मत करो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। तो SIADH के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो होता है कैसा होता है, डाइल्यूशनल होता है और यू वॉल्यूमिक होता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। बाकी यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो होती है वो इसमें बढ़ जाती है, बाकी इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, कर सकते हैं हम वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी डिमी क्लोसाइक्लिन की। इसके अलावा वेप्टन याद रखो, वेप्टन, वेप्टन दो तरह का हो सकता है, एक तो टोल वेप्टन और एक होता है कोनी टोल, कोनी कोनी टोल, बस ये देखना कि वेप्टन 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 नहीं, वेप्टन नहीं,
बाकी हाइपोनेट्रिया में शुड बी करेक्टेड स्लोली टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम।